प्रिय दर्शकों, अर्जुन के अनुरोध पर दिव्य दृष्टि दे श्री कृष्ण ने उन्हें विश्व रूप के दर्शन कराए और अर्जुन को वह विराट रूप प्रतीत हुआ। श्रीमद्भगवद्गीता के 11वें अध्याय के इन श्लोकों में यही वर्णन किया गया है कि विराट रूप में अर्जुन क्या देख रहे हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं। अर्जुन ने विराट रूप का नक्षिक वर्णन किया है, समझते हैं कि क्या कहा उन्होंने। पश्याम देवांस्तभुदेव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण बीशम कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुरगांश दिव्यान। तो इसका मतलब है पश्यामि देवांस तव देवदेहे, हे देव तुम्हारे देह में मैं देख रहा हूँ सभी देवों को, सर्वांश तथा और सभी भूत प्राणियों को भी देख रहा हूँ, सभी लोगों को मैं तुम्हारे शरीर में ही देख रहा हूँ। भूत विशेष, जितने भी विशेष प्राणी हैं का समूह है वो सब के सब को मैं आपको ये देख रहा हूँ। ब्रह्माण बीशम कमलासनस्थ, कमल पर बैठे हुए मैं ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूँ, ऋषीश ऋषियों को देख रहा हूँ, सर्वानुरागांश दिव्य और जितने भी दिव्य नाग हैं सर्प हैं वो सबको मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में। अनेक बाहूदर्वत्रनेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो नूतनं, अनेक बाहूदर्वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो नन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहूदर, अनेक भुजाएं देख रहा हूँ, अनेक उदर देख रहा हूँ, पेट भी अनेक देख रहा हूँ, वक्त अनेक चेहरे देख रहा हूँ, नेत्रम अनेक नेत्र देख रहा हूँ। पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत, मैं आपको अनंत रूप में देख रहा हूँ। नान्तम न मध्यम, न कहीं अंत दिखाई दे रहा है न कहीं मध्य दिखाई दे रहा है। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, और फिर उसका शुरुआत भी नहीं दिखाई दे रही, अंत नहीं दिखा रहे, मध्य का शुरुआत भी नहीं, कहाँ से शुरू करें कहाँ से, सब कुछ यही दिख रहा है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, आप विश्वरूप बन गए हैं और मैं आप विश्वेश्वर हैं, विश्वरूप बन गए हैं, मैं बस विश्वरूप देख रहा हूँ सब तरफ, और कुछ हमें दिखाई दे, सब आपके अंदर ही दिखाई दे रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है। किरीटनम गदिनम च क्रीडंच तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम। अनेक मुकुट दिखाई दे रहे हैं, अनेक गदाएं दिखाई दे रही, अनेक चक्र दिखाई दे रहे हैं और तेज का भंडार दिखाई दे रहा है। सर्तो दीप्त मंत्र, सब तरफ से जैसे दिए जल गए हैं, बहुत सारे दीप्त अनंत दीप दिए जल गए हैं जिसका अंत ही नहीं लगा। पश्यामि त्वां दुर्निरी, बड़ी कठिनता से मैं देख पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा रोशनी है, दुर्निरीक्षम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि इतनी ज़्यादा रोशनी है। दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्ता नलार्का द्युतिम अप्रमेय हो, बहुत उत्तम, बहुत एक्सीलेंट, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, ऑब्जर्व कर, बहुत कीन ऑब्जर्व नहीं कर सकता। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमश्रविश्वस्य परम निधानम त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरम, तुम ही अविनाशी हो, अक्षर हो, परमम वेतव्य, सबसे जानने योग्य तुम ही हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही विश्व का परम आश्रय हो,
निधानम परमाश्रय, तम व्यय तुम अविनाशी हो, शाश्वत धर्म गोप्ता, जो सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, उसके रक्षक भी, उसको गुप्त रखने वाले, कंट्रोल करने वाले भी आप ही हो। सनातनस्तम पुरुषो मतो में, मेरा मत है कि आप सत्य सनातन हैं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमदं तपन्तम्। अनादि मध्य अंत, जिसका कोई न आदि हो न मध्य हो न अंत हो, अनादि अनादि मध्य अंत, मनंत वीर्य अनंत वीर्य, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वीर्यवान, अनंत बाहु, और जिसके अनंत बाहु हैं, शशि सूर्य नेत्रम, उसके नेत्र जैसे चंद्रमा और सूरज जो है उनके नेत्र हैं। पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम, मैं देख रहा हूँ कि आप जो चेहरा है वो इतना दमक रहा है, दीप्त दीप्त हो रहा है, बिल्कुल दमक रहा है रोशनी। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, अपने तेज से आप पूरे विश्व को गर्मा रहे हो, मतलब सब कुछ वही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। द्यावा पृथिव्यो रिदमंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। द्यावा मीन्स आकाश या स्वर्ग, द्यावा पृथ्वी और पृथ्वी अंतरम, इसके बीच में जो कुछ भी है, आकाश और जमीन के बीच में, जो पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है, सब में आप व्याप्त हो, दिशा सभी दिशाओं में आप ही दिख, आप दिख रहे हो, एक आप ही दिख रहे हो। तो एक दृश्य सर्व दृष्ट्वाद्भुतम, बहुत अद्भुत में देख रहा हूँ, देखकर रूपमुग्रम तवेदम, तुम्हारा ये बहुत ही उग्र रूप में देख रहा हूँ। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, तीनों लोग जो हैं व्यथित हो रहे, कांप रहे हैं, सब आपके डर से कांप रहे, सब कुछ में ऐसे दिख रहा है कि सब उसके अंदर है और सब कांप रहे, सब कुछ वो है, सब उसी विश्व में सब है, विश्व रूप है, उसमें अच्छे बुरे राक्षस बुरे सभी सभी कुछ उन्हीं के अंदर है, तो जो बहुत से लोग उसमें कांप भी रहे हैं और बहुत से लोग अमी हिताम सुर संघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्ति तुक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुन्तिताम स्तुतिभि पुष्कलाभि। अमी हिताम, यह आप ही हैं कि सुर संघा विशन्ति, जितने देवता हैं सब उसमें प्रवेश करते जा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है बाहर से भी आ रहे हैं तो वो सब उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, अमी हिताम सुर संघा विशन्ति, देवताओं का समूह सब आपके अंदर घुसते जा रहे हैं। केचित् भीता प्राञ्जलयो, और कुछ लोग हाथ जोड़ के जैसे डर रहे हों उस तरह के बने हुए हैं। स्वस्ति इत्युक्ता, कुछ कह रहे हैं कहकर, कल्याण करो, कल्याण हो, कल्याण हो, इस तरह से कह रहे हैं। महर्षि सिद्ध संघा, जितने भी महर्षि और सिद्ध दिखाई दे रहे हैं वो सब कह रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो। स्तुतिताम, सभी स्तुति कर रहे हैं। स्तुत भी पुष्कला भी, हे परम श्रेष्ठ पुष्कला भी, सभी आपके बड़े नम्रता से सब स्तुति कर रहे हैं। द्यावा पृथिव्यो रिदमंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम् प्रव्यथितम् महात्मन। द्यावा मीन्स आकाश या स्वर्ग, द्यावा पृथ्वी और पृथ्वी अंतरम, इसके बीच में जो कुछ भी है, आकाश और जमीन के बीच में, जो पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है, सब में आप व्याप्त हो,
दिशा सभी दिशाओं में आप ही दिख आप दिख रहे हो, एक आप ही दिख रहे हो। तो एक निर्दिशश्च सर्व दृष्ट्वाद्भुतम्, बहुत अद्भुत में देख रहा हूँ, देखकर रूपम उग्रम तवेदम, तुम्हारा ये बहुत ही उग्र रूप में देख रहा हूँ। लोकत्रयम् प्रव्यथितम् महात्मन्, तीनों लोग जो हैं व्यथित हो रहे, कांप रहे हैं, सब आपके डर से कांप रहे हैं, सब कुछ में ऐसे दिख रहा है कि सब उसके अंदर है और सब कांप रहे हैं, सब कुछ हुआ है, सब उसी विश्व में सब है। विश्व रूप है, उसमें अच्छे बुरे राक्षस बुरे सभी सभी कुछ उन्हीं के अंदर है। तो जो बहुत से लोग उसमें कांप भी रहे हैं और बहुत से लोग अमी हिताम सुर संघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुन्तिताम् स्तुतभिः पुष्कलाभिः। अमी हिताम, ये आप ही हैं कि सुर संघा विशन्ति, जितने देवता हैं सब उसमें प्रवेश करते जा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है बाहर से भी आ रहे हैं तो वो सब उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, अमी हिताम सुर संघा विशन्ति, देवताओं का समूह सब आपके अंदर घुसते जा रहे हैं। केचित् भीता प्राञ्जलयो, और कुछ लोग हाथ जोड़ के जैसे डर रहे हों उस तरह के बने हुए हैं। स्वस्ति इत्युक्ता, कुछ कह रहे हैं कहकर कल्याण करो, कल्याण हो, कल्याण हो, इस तरह से कह रहे। महर्षि सिद्ध संघा, जितने भी महर्षि और सिद्ध दिखाई दे रहे हैं वो सब कह रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो। स्तुतिताम, सभी स्तुति कर रहे हैं। स्तुत भी पुष्कला भी, हे परम श्रेष्ठ पुष्कला भी, सभी आपके बड़े नम्रता से सब स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वनौ मर्तश्चोष्वपाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जितने भी रुद्र आदित्य वसु ये सब हम देख पा रहे हैं, सब आपके अंदर विश्वेश्वनु और विश्व में जितने भी अश्विनी कुमार मरुत 49 जो मरुत सब और सब दिख रहे हैं और सब गर्मी दे रहे हैं। उसमें पाशो बहुत मतलब गर्मी दे रहे हैं, मतलब कोई खुशी में भी गर्मी कह सकते हैं उसमें भी, समझे। गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध सभी का समूह जो है वो वीक्षन्ते, तो सभी देख रहे हैं और बड़े विस्मित तरीके से देख रहे हैं, आपके आपके तरफ सब विस्मित होकर देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूर्पादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं लोका दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूर्पादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्र, बहुत चेहरे और बहुत नेत्रों वाला ये रूप जो है बहुत महान है आपका। महाबहो बहुबाहूर्पादं, आप महाबलशाली और बहुत सारे भुजाओं वाले, बहुत सारे पैरों वाले, बहुत सारे उदर वाले, बहुत सारे सब तरफ से हर से अंग देख कर विकराल सा लग रहा है देखकर। हे भगवान, सारे संसार जो है डर रहा है, परेशान हो रहा है, व्यथित हो रहा है। आप इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। देखता सभी देवों के हे देव विशेष प्राणी समूह आपके वदन दैवी सापों वदिशियों को भी और शिव ब्रह्मा स्थित कमलासन चेहरे बहुत नेत्र मैं देखता हूँ तुमको सभी तरफ अनंत स्वरूप आरंभ न मध्य
न अंत न आदि देखता है विश्वेश्वर विश्वरूप। तेज पुंज मुकुट गदा और चक्र सभी चारों से है प्रकाशमान। तेज पुंज मुकुट गदा और चक्र सभी चारों ओर से है प्रकाशमान। देखने में दुष्कर प्रज्वलित अग्नि है सूर्य सदृश द्युति न उपमान। हो तुम अविनाशी परम ज्ञान योग्य, हो तुम अविनाशी परम ज्ञान योग्य इस विश्व के महान आधार। जो न कम हो निरंतर धर्म रक्षक, जो न कम हो निरंतर धर्म रक्षक सनातन पुरुष यह मेरा विचार। हो तुम अविनाशी परम ज्ञान योग्य इस विश्व के महान आधार। जो न कम हो निरंतर धर्म रक्ष सनातन पुरुष यह मेरा विचार। आदि मध्य अंत न कोई अनंत वीर्य, आदि मध्य अंत न कोई अनंत वीर, अनंत बाहु चंद्र व सूर्य नयन। आदि मध्य अंत न कोई अनंत वीर, अनंत बाहु चंद्र व सूर्य नयन। देखता तुम्हें प्रज्वलित अग्नि सम स्वतेज से विश्व को देते तपन। आकाश पृथ्वी के मध्य फैले, आकाश पृथ्वी के मध्य फैले और एक तुमसे ही है दिशा सभी। आकाश पृथ्वी के मध्य फैले और एक तुमसे ही है दिशा सभी। देख कर अद्भुत तेरे उग्र रूप को, देख कर अद्भुत तेरे उग्र रूप को, व्यथित हो रहे तीनों लोक अभी। वे ही सुर समूह करे तुम में प्रवेश, कुछ भयभीत करे कर बद गुण उच्चारण। हो कल्याण कह महर्षि सिद्ध संग, तेरी सब स्तुतियों से करे स्तोत्र गायन। जो रुद्र आदित्य वसु और सिद्ध गण, विश्व देव मरुत अश्विनी कुमार पितृजन। गंधर्व यक्ष असुर महर्षि सिद्धों के समूह, तुमको सब देख रहे हैं विस्मित मन। चेहरे अनेक नेत्र अनेक महाबाहो, चेहरे अनेक नेत्र अनेक महाबाहो, बहुत उदार हाथ पैर आपके महान। चेहरे अनेक नेत्र अनेक महाबाहो, बहुत उदर हाथ पैर आपके महान। बहुत विकराल दांतों को देखकर, बहुत विकराल दांतों को देखकर सभी लोक तथा मुझे व्यथित जान। चेहरे अनेक नेत्र अनेक महाबाहो, बहुत उदर हाथ पैर आपके महान। बहुत विकराल दांतों को देखकर सभी लोक तथा मुझे व्यथित जान। लेट अस अंडरस्टैंड
व्हाट वी लर्न फ्रॉम द विराट स्वरूप ऑफ भगवान श्री कृष्ण. ही मेंशन राधा अर्जुन मेंशन दैट देयर इज नो बिगिनिंग और एंड पॉइंट ऑफ सुप्रीम बीइंग. He is not able to see from where the Supreme Being has started, this Virat Swarup has started, and where it is going to end. The same way, the whole universe is full of Supreme Being. There is no start point and end point. So everywhere is Supreme Being. The Supreme Being is everywhere. You cannot identify the starting and end point. So we should be careful in dealing with the situation. Second learning is that more we understand him, easier our life will be. If we know, if we are able to understand that he is everywhere, we will not feel ourselves alone. Everywhere he is there to save us. Supreme Being is the beginning and end point of all. This is the third learning. We have started our journey from the Supreme Being and we will end our journey to the Supreme Being. So we do not be scared of everything, of anything. Why we should be scared? When we know our target, our end point, our goal. The third learning, the last learning, fourth learning is that frightening to imagine everything entering in Supreme Being. Sometimes we feel threatened, we become frightened that what is our end. So our end is full of light. We are going to end or to merge in the Supreme Being. So why to worry? We should be worryless, though we become frightened with this situation, with this reality that we should not, and we should work with full faith in God. Friends, if you like this video, please press the like button and also the subscribe button if you have not subscribed so far. Thank you.